गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ये अरबी के पत्ते, देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम आलू लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो ये देखिए, ये है हमारे पास आलू। जब इस तरीके से हो जाते हैं हमारे आलू, जो हम कहते हैं कि आलू की आंख निकल आई है, लेमन लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोलते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये राइट टाइम है इनको ग्रो करने का। तो आज हम इन्हीं को ग्रो करने वाले हैं। इस तरीके के चार पांच आलू मैंने ले लिए हैं और जहाँ जहाँ से इनकी आइज़ निकली हुई है वहाँ से हम कट करके इनको लगाएंगे। आप इसे सीधा पूरा भी लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको एक आलू ऐसे पूरा डालना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने पीसेज मैं एक आलू में से निकाल सकती हूँ वो हम निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए को हम किचन में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉटिंग मिक्स दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके का बनाया। बिल्कुल सॉयल लेस पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार किया है यहाँ पर इनके लिए। 50% कोकोपीट है, 50% वर्मी कंपोस्ट है और 10 केजी का ये वर्मी कंपोस्ट का ही बैग है जिसमें मैंने इसको भर लिया है। तो हम इस तरीके के जो हमारे पास बैग्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, जूट के बैग्स में लगा सकते हैं, या फिर आप जो सीमेंट के कट्टे होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। बस आपको ड्रेनेज का खास ख्याल रखना होगा। इस तरीके से होल्स मैंने बना लिए हैं ताकि एक्सेस वाटर जो है नीचे इकट्ठा ना हो पाए, और थोड़ा सा इसको किसी ऊंचे सरफेस पे रखना होगा। ये देखिए, इस तरफ भी होल्स बनाए हैं सो दैट नीचे से इनको रस ना लगे और नीचे इसके पानी खड़ा ना रहे, पानी जो है पूरा निकल जाए। और आपको पॉटिंग मिक्स जो है बहुत वेल ड्रेन बनाना है। तो ये सॉइललेस मीडियम मैंने तैयार किया है और इसमें मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए, आलू को इस तरीके से कट कर लिया है, जिस तरीके से जिस तरफ से इनकी आईज़ ज़्यादा हो रखी थी तो उस तरफ से कट कर लिया है और बाकी बचे हुए को हम किचन में यूज़ कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि इसमें प्लांट्स बनने जो है इनके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो बस ये सूखते जाएंगे और इनके प्लांट बनते जाएंगे, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर मीडियम दे देते हैं ग्रो होने के लिए तो फिर हम इसमें आलू भी ले पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं भी लगा रही हूँ, जो भी रिज़ल्ट रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी कि थोड़ा बड़े कंटेनर में लगाएं, मतलब 10-12 इंच से बड़े कंटेनर हो तो सही रहेगा। और हमको इसकी मिट्टी में पानी खड़े नहीं होने देना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये सामने से मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये ऑलरेडी इसकी लीव जो है थोड़ी थोड़ी जर्मिनेट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जनरली हमारे घर में ये सब हो ही जाता है, प्याज लहसुन और आलू, इनमें जनरली जो है इनकी आइज़ निकल आती है। तो ये हमारे सीड पोटैटो भी बोलते हैं इनको। अगर आपके घर में ऐसे पोटैटो नहीं मिल रहे हैं तो आप मार्केट से जाकर भी ले सकते हैं, सब्जी वाले के पास जाइए, उसको बोलिए कि सीड पोटैटो चाहिए हमको, तो वो आपको दे देगा लगाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ इस तरीके से हमने प्लेस कर लेने हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, और उसके बाद हम इसको इसी पॉटिंग मिक्स से कवर कर देंगे और वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए, थोड़ी सी जगह मैंने ऊपर भेज छोड़ी है इसमें अपने बैग में, सो दैट बाद में अगर हमें इसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़े तो हम ऊपर से डाल सकें। और ये देखिए, मैंने ये प्लेस कर लिया है, चलिए इनको कवर कर लेते हैं। काफ़ी इजी है वैसे आलू लगाना, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बस पानी ज़्यादा ना डालें तो आपको अच्छी इसमें नीचे आलू भी मिल सकते हैं। तो हमको बस ये पॉटिंग मिक्स से इनको कवर कर देंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर और फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ अपनी, और आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो देखिए, पॉटिंग मिक्स से कवर कर दिया, ऑलमोस्ट एक इंच की जो लेयर हमने यहाँ पे बिछा दी है सॉइललेस मीडियम की अपनी। और सॉइललेस मीडियम का बेनिफिट ये है कि इसमें अच्छे लग जाते हैं पौधे जो भी आप ग्रो करना चाहते हैं, और आपकी छत पे जो एक्सेस वेट नहीं होता आपको कैरी करना इनको काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये मिट्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि फिर कोकोपीट मंगानी वो भी बड़ी मुश्किल महंगी मिलती है, और वर्मी कंपोस्ट आपको फिर इसमें ऐड करनी पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट तो खैर उतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ये महंगा सौदा हो जाता है। तो ऐसे 50% सॉइललेस तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बस आपको इस तरीके से फिर पानी डाल देना है अच्छे से, सो दैट आपकी नीचे तक सॉइल जो है वो भीग जाए। देखिए कितना अच्छा मिक्स बना है, इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके का हमें मिक्स चाहिए। जब भी हम कोई रूट वाली सब्जियां लगाते हैं जो मिट्टी के नीचे लगती हैं, इस तरीके का हमारा मिक्स होना चाहिए। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 4 दिन के बाद की अपडेट है और यहाँ पे आप आपको दिख रहे होंगे कि इनकी लीव्स बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये यहाँ पे, यहाँ भी अंदर से आ रही हैं, और ये देखिए ये। तो अभी तो यही है जो मुझे ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी क्यूरोसिटी में, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा काम कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी कुछ शूट्स आ रही हैं इसकी, पर बहुत कोमल होती हैं शूट्स। ये देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर हम इसकी अपडेट देखेंगे और 3 दिन के बाद। सो फ्रेंड्स, देखिए ये अब 1 हफ्ते बाद की अपडेट है और इसके लीव्स आ चुके हैं अब। और अभी भी ये देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से ये अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़े दिन में ये पूरा इसके लीव्स से भर जाएगा, तब और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप आलू लगा सकते हैं अपने घर में। ये मैंने, ये देखिए, 10 kg वाला ग्रो बैग है, उसमें लगाया हुआ है। इससे छोटे कंटेनर में आप आलू नहीं लगाएं तो बेटर होगा, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे को फैलती हैं, आलू नीचे को लगते हैं, तो स्पेस अच्छी खासी चाहिए होती है। वेल ड्रेन जितनी सॉयल लगेंगे उतने अच्छे आपके आलू लगेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।